3 जून 1947 भारत के वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय उपमहाद्वीप का खाका तैयार कर रहे थे। बस चंद दिनों की गुलामी और बची थी और आजादी की सौगात मिलने वाली थी। इस खबर से जहां एक तरफ क्रांतिकारियों और देश की जनता में जबरदस्त उत्साह था, वहीं दूसरी तरफ रियासतों के राजाओं को ये खबर लग चुकी थी कि उन्हें भी आजादी मिलने वाली है। आजादी अपनी मर्जी से हिंदुस्तान या पाकिस्तान में जाने की या फिर अपना अलग देश बनाने की। इधर सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना रियासतों को मनाने की जद्दोजहद शुरू करने वाले थे। उधर रियासतों के राजे महाराजे और दीवान अपने अपने फायदे का हिसाब लगा रहे थे ताकि फैसला लेने में कोई जल्दबाजी ना हो जाए। लेकिन महज 7 दिन बाद 11 जून 1947 को दक्षिण की एक रियासत ने ये घोषणा कर दी कि वो भारतीय संघ में शामिल नहीं होंगे बल्कि अपना अलग देश बनाएंगे। इस ऐलान के बाद कई राजाओं के आजाद रहने के ख्वाब जाग गए, वहीं भारत चिंता में आ गया। आता भी क्यों ना, ये ऐलान किसी छोटी मोटी रियासत ने नहीं बल्कि भारत की सबसे अमीर रियासत त्रावणकोर ने किया था, जिसके पास उस दौर में खरबों का खजाना था। त्रावणकोर, जहां दुनिया का सबसे अमीर पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। कहते हैं कि इस मंदिर के 7 तहखानों में सोना चांदी और खरबों की दौलत भरी पड़ी है। जिस रियासत का एक मंदिर ही इतना अमीर हो, उसकी संपत्ति का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। लेकिन देश बनाने के लिए सिर्फ पैसा काफी नहीं होता बल्कि ताकत और व्यापार भी चाहिए होता है। संयोग से त्रावणकोर इन दोनों पैमानों पर भी खरा उतर रहा था। कुदरत ने त्रावणकोर को काली मिर्च, दालचीनी और अनेक उत्तम दर्जे के मसालों की सौगात तो दी ही थी, साथ ही दिया था मोनोजाइट का भंडार, जिससे परमाणु बम बनाने वाला थोरियम निकलता था। अगर त्रावणकोर अलग हो जाता तो बड़े बड़े देश आसानी से उससे मोनोजाइट खरीद कर परमाणु बम का जखीरा खड़ा कर सकते थे। त्रावणकोर के विलय की ये समस्या और बढ़ गई जब जिन्ना ने बिना देरी किए त्रावणकोर को मान्यता दे दी। अब भारत के सामने दोहरी मुसीबत थी जिससे निपटना बेहद जरूरी था। लेकिन सवाल ये है कि इस समस्या का निपटारा हुआ कैसे, कैसे त्रावणकोर बना भारत का हिस्सा। ये दिलचस्प कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा इतिहास के उस दौर में जब आजादी की खुशी और रियासतों के विलय की समस्या एक साथ दस्तक दे रही थी। साल 1947 के भारत के नक्शे को देखा जाए तो आपको केरल राज्य की जगह त्रावणकोर रियासत नजर आएगी। इसके आसपास कोचीन, मदुरई और मैसूर जैसी दूसरी रियासतें थी। वहीं एक पूरा बॉर्डर समंदर से सटा था। तब यहाँ के राजा हुआ करते थे बलराम वर्मा और दीवान थे सीपी रामा स्वामी अय्यर। अय्यर की गिनती चतुर दीवानों में होती थी। वकालत के पढ़ाई करने के बाद उन्होंने करीब 16 साल दीवान की गद्दी संभाली थी। इस दौरान उन्होंने शासन प्रशासन पर इतनी अच्छी पकड़ बना ली थी कि राजा बलराम वर्मा उनकी हर एक बात मानते थे। अय्यर चाहते थे कि त्रावणकोर आजाद रहे, एक अलग देश बने, लेकिन उनके इस फैसले को जनता का साथ नहीं मिल पा रहा था। उस दौर में यहाँ कांग्रेस की भी अच्छी पकड़ थी, इसीलिए त्रावणकोर की प्रजा ये चाहती थी कि उनकी रियासत का विलय भारत संघ में हो। जनता को मनाने के लिए अय्यर ने लोगों से मिलना शुरू किया। वो सभा बुलाते और अपने भाषण में लोगों को ये समझाते कि उनकी रियासत बहुत ताकतवर है और वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। वो लोगों को बताते कि कैसे त्रावणकोर ने लड़ाई में डचों के जहाजी बेड़ों को डुबो दिया था। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी एशियाई ताकत ने समंदर में किसी यूरोप के देश को मात दी हो। लेकिन ये अय्यर का कोई झूठ नहीं था, वाकई त्रावणकोर ने ये कमाल करके दिखाया था। हमारी किताबों में इसका जिक्र नहीं मिलता, लेकिन इतिहास में ये लड़ाई कोलाचेल युद्ध के नाम से जानी जाती है, जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। दरअसल दक्षिण के इस पूरे इलाके को कुदरत ने खूबसूरती के साथ साथ एक बेशकीमती खजाना भी दिया था। ये खजाना था यहाँ के मसाले। सदियों पहले से ही मालाबार, त्रावणकोर और वेस्टर्न हिल्स में जायफल, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च जैसे खड़े मसालों की खेती होती थी।
उस दौर में खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए लोग इन मसालों का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते थे। बहुत से देशों को तब तक हरी मिर्ची और लाल मिर्ची के बारे में पता ही नहीं था, इसीलिए खाने में तीखापन देने के लिए काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता था। भारत में बढ़िया क्वालिटी की काली मिर्च भी यही उगती थी। यही कारण था कि अलग अलग देशों से व्यापारी जहाज और नावों के जरिए यहाँ से मसाले खरीदने के लिए आते थे। इस तरह ये पूरा इलाका व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन गया था। उस दौर में फ्रिज और रेफ्रिजरेटर नहीं होते थे। खाने को सड़ने से बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव के तौर पर काली मिर्च का ही इस्तेमाल होता था। यही कारण था कि भारत की काली मिर्च की डिमांड हर जगह थी। इधर जनता अपने व्यापार में मशगूल थी, उधर सत्ता के सिपह सालार बदलते जा रहे थे। 12वीं सदी तक त्रावणकोर पर चेरा साम्राज्य का शासन हुआ करता था, लेकिन जब चेरा साम्राज्य का अंत हुआ तो ये इलाका बहुत सारी छोटी छोटी रियासतों में बंट गया। दो तीन गांवों को मिलाकर यहाँ करीब सैकड़ों रियासतें बन गईं, जिनके अलग अलग राजा थे। एक ऐसी ही छोटी सी रियासत थी कालीकट, जहाँ 15वीं सदी में पहुंचा वास्को डी गामा। 20 मई 1498 पुर्तगाल से एक जहाज आकर कालीकट पोर्ट पर रुका। इस जहाज से कुछ नाविक उतरे, जिनमें से एक था वास्को डी गामा। उसने देखा कि कैसे इस इलाके में बढ़िया क्वालिटी के मसाले, ड्राई फ्रूट्स, नारियल और भी बहुत कुछ मिल रहा था। वो यूरोप जाकर लोगों को इन सब के बारे में बताता है और इसी के साथ दुनिया को भारत के बारे में पता चलता है। अब पुर्तगाल ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप से व्यापारी बड़े बड़े जहाज लेकर यहाँ आने लगे। वो यहाँ से बढ़िया क्वालिटी के मसालों को अपने अपने देश ले जाते और ऊंचे दामों पर बेचकर तगड़ा मुनाफा कमाते थे। पुर्तगालियों के बाद यहाँ पर डच आए। आज का नीदरलैंड्स उस दौर में हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। इसी हॉलैंड के लोग थे डच। ये समंदरी व्यापार में महारथी माने जाते थे। डचों ने यहाँ आकर देखा कि समंदर का किनारा और पहाड़ियाँ आसपास थे, जिससे मसालों को लाना ले जाना बहुत आसान था। इसीलिए उन्होंने यहीं पर अपना अड्डा बना लिया। वो किनारे के छोटे छोटे गांवों पर कब्जा करने लगे और श्रीलंका को भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। 18वीं सदी की शुरुआत तक सब ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर आया साल 1729 और त्रावणकोर के राजा बने मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा ये जानते थे कि बिखरा हुआ साम्राज्य विदेशी ताकतों को नहीं हरा सकता, इसीलिए उन्होंने एक एक करके आसपास की कई रियासतों को जीत कर त्रावणकोर राज्य का विस्तार किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी भगवान विष्णु के उस प्राचीन मंदिर को जीतना, जिसकी रक्षा 8 शक्तिशाली सामंत करते थे। कहा जाता है कि इस प्राचीन मंदिर के पास ढेर सारी संपत्ति और जमीनें थी, जिनकी रक्षा करने वाले 8 सामंतों का वर्चस्व दूर दूर तक फैला था और ये काफी प्रभावशाली थे। राजा मार्तंड वर्मा ये जानते थे कि सामंतों की शक्ति को खत्म किए बिना मंदिर को त्रावणकोर का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले आसपास की जागीरों को जीता और फिर इन 8 सामंतों को भी हरा दिया। अब ये मंदिर भी त्रावणकोर रियासत का हिस्सा बन गया। कहते हैं कि राजा मार्तंड वर्मा ने इसे फिर से बनवाया। नेपाल के गंडक नदी के तटों से 12,008 शालिग्राम पत्थर खास तौर पर लाए गए। इन पत्थरों और अनोखे आयुर्वेद मिश्रण से 18 फुट बड़ी भगवान की प्रतिमा बनाई गई। ये मूर्ति शयन अवस्था में थी, क्योंकि भगवान की इस अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है और इसीलिए इस मंदिर को पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहा गया। मार्तंड वर्मा ने भगवान पद्मनाभ स्वामी को त्रावणकोर का राजा बना दिया और ये ऐलान किया कि आज से वो और उनका परिवार भगवान श्री पद्मनाभ स्वामी के दास होंगे। भगवान पद्मनाभ स्वामी की कृपा कहें कि राजा मार्तंड वर्मा का पराक्रम। उनका विजय रथ तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। अब उन्होंने अलग अलग पोर्ट्स से आने की बंदरगाहों को भी अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। ये वही पोर्ट्स थे जो डच और पुर्तगालियों के लिए व्यापार का अड्डा थे। साल 1740 तक डच अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बना चुके थे और इस कंपनी को ये डर था कि अगर मार्तंड वर्मा की ताकत बढ़ती जाएगी तो उनका व्यापार चौपट हो सकता है, इसीलिए उन्होंने मार्तंड वर्मा को युद्ध की चुनौती दी।
इन डचों के साथ भारत के ही वो राजा भी मिले हुए थे जिन्हें मार्तंड वर्मा ने हराया था। लेकिन मार्तंड वर्मा कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने डचों को ये कहते हुए चेताया कि विदेशी ताकतों को हमारे घरेलू मामलों से दूर रहना चाहिए और अगर वो फिर भी युद्ध करना चाहते हैं तो हारने के लिए तैयार रहें। मार्तंड वर्मा के इस चुनौती से डच बुरी तरह तिलमिला गए। उन्होंने श्रीलंका से करीब 400 जहाज कोलाचेल यानी कि आज के कन्याकुमारी के तट पर भेजे। ये जहाज बड़ी बड़ी तोप और आधुनिक हथियारों से लैस थे जिनके आगे किसी का भी टिकना लगभग नामुमकिन था। लेकिन राजा मार्तंड वर्मा की सेना को साथ मिला स्थानीय मछुआरों का जिनकी मदद से उन्होंने डचों के जहाजी बेड़ों को डुबो दिया। कहते हैं कि इस जंग में डचों की बहुत बड़ी हार हुई और उनके हजारों सैनिकों को बंदी बना लिया गया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी हिंदुस्तानी राजा ने डचों को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया था। वो इतना घबरा गए थे कि उन्होंने ये कसम खाई कि अब वो त्रावणकोर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। इस हार के बाद डच कोचीन चले गए। इतिहास ने पहली बार देखा था कि गोला बारूद और बंदूकों से लैस इतनी बड़ी सेना को एशिया के किसी राजा ने इतनी बुरी तरह पस्त किया हो। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसके बाद राजा मार्तंड वर्मा का पराक्रम दूर दूर तक फैल गया और त्रावणकोर के आसपास दुश्मनों ने फटकना ही बंद कर दिया। इस विजय के बाद राजा मार्तंड वर्मा ने अपना सारा खजाना भगवान श्री पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर दिया जो आज भी उस मंदिर के तहखानों में रखा है। त्रावणकोर की सीमाएं उन्होंने कन्याकुमारी से एर्नाकुलम तक फैला दी थी और उन्हीं की इस जीत का जिक्र त्रावणकोर के दीवान अय्यर जनता के सामने करते थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि त्रावणकोर कभी अंग्रेजों के अधीन आया ही ना हो। अंग्रेजों ने त्रावणकोर को अपने अधीन किया था लेकिन उस पर हमला करके नहीं बल्कि उसकी मदद करके। साल था 1790। मैसूर के राजा टीपू सुल्तान हैदर अली के साथ मिलकर त्रावणकोर पर कब्जा जमाने की फिराक में थे। उन्होंने पहले त्रावणकोर के आसपास की रियासतों पर हमला किया और हजारों हिंदुओं की हत्या की। उन्होंने सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा और बहुत सारे लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया। इसके बाद वो बढ़े त्रावणकोर की तरफ। इधर त्रावणकोर की गद्दी पर बैठे थे कार्तिक थिरुनन जो मार्तंड वर्मा के बाद राजा बने थे। उन्हें हिंदू धर्म शास्त्रों में काफी रुचि थी और इसीलिए उन्हें धर्म राजा भी कहा जाता था। उन्होंने त्रावणकोर को बचाने के लिए राज्य के चारों तरफ 100 किलोमीटर लंबी बॉर्डर बना दी। इसे बनाने के लिए बड़े बड़े खड्डे खोदकर उन्हें पेड़ों से ढक दिया गया। जब टीपू की सेना त्रावणकोर की तरफ बढ़ी तो वो इन गड्ढों में फंस गई। टीपू की सेना बहुत विशाल थी इसीलिए धर्मराजा को अंग्रेजों से मदद मांगनी पड़ी। अंग्रेजी सेना त्रावणकोर की सेना के साथ मिलकर टीपू की सेना पर टूट पड़ी और टीपू सुल्तान हार गया। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराकर उसका आधा राज्य तो ले ही लिया था लेकिन इस सहायता के बदले वो त्रावणकोर से भी पैसा मांगने लगे। जब त्रावणकोर पैसा नहीं दे पाया तो साल 1800 में अंग्रेजों ने त्रावणकोर को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी पद्मनाभ दासम परिवार के लोग और अंग्रेज इस राज्य पर शासन करते रहे। यहाँ राज परिवार में राजा चुनने की रस्म भी काफी दिलचस्प थी। यहाँ राजा की पत्नी नहीं बल्कि राजा की बहन महारानी होती थी और उसका बेटा राजगद्दी पर बैठता था। यानी कि राजगद्दी पर पिता के बाद बेटे को नहीं बल्कि भांजे को बैठाया जाता था। लेकिन 19वीं सदी में राजा बने मूलम थिरुनल जिनकी कोई बहन नहीं थी, इसीलिए दो चचेरी बहनों को गोद लिया गया जिनका नाम था सेतु लक्ष्मीबाई और सेतु पार्वतीबाई। ये दोनों ही भारत के महान पेंटर राजा रवि वर्मा की बेटियां थी। सेतु लक्ष्मीबाई को भी कोई बेटा नहीं हुआ इसीलिए सेतु पार्वतीबाई के बेटे चित्रम थिरुनल को राजा बनाया गया। साल 1924 में महज 12 साल की उम्र में उन्हें राजा बना दिया गया था और उन्हीं का पूरा नाम था चित्रम थिरुनल बलराम वर्मा। ये वो दौर था जब पूरे भारत में आजादी को लेकर आंदोलन हो रहे थे।
लेकिन त्रावणकोर में एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। यहाँ पर लोग जातिवाद के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि त्रावणकोर में जातिवाद इस कदर पसरा था कि शेड्यूल कास्ट की महिलाओं से स्तन और पुरुषों से सिर ढकने पर भी टैक्स लिया जाता था। कहते हैं कि इन लोगों को भगवान के मंदिर जाना तो दूर, मंदिर तक जाने वाले सड़क पर चलने की भी अनुमति नहीं थी। इस वजह से यहाँ पर कई बार विद्रोह हुए। 20वीं सदी में हुए ऐसे ही एक विद्रोह में महात्मा गांधी ने भी हिस्सा लिया था। जनता की भावनाओं को समझते हुए राजा बलराम वर्मा ने ही ये आदेश दिया था कि अब हर हिंदू मंदिर में प्रवेश कर सकेगा। कहते हैं कि इन आंदोलनों में लोगों का साथ देकर कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने त्रावणकोर की जनता के दिलों में जगह बना ली थी, और यही वजह थी कि वो अब भारत का हिस्सा बनना चाहते थे। लेकिन दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर को ये लग रहा था कि उनकी रियासत के पास पैसा है, साथ ही मोनोजाइट के भंडार भी है, व्यापार करने के लिए समंदर का किनारा है, और क्या चाहिए। ये वो दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन दुनिया भर के देशों में शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर शुरू हो गया। अय्यर को ये लग रहा था कि कोल्ड वॉर के उस दौर में अंग्रेज भी मोनोजाइट के लालच में फंसकर उनका साथ देंगे, लेकिन पहली बार माउंटबेटन ने कोई नेकी का काम किया। उन्होंने दीवान को समझाया कि अलग होने में कोई भलाई नहीं है, लेकिन वही मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपना दांव चल दिया। दरअसल जिन्ना की ये कोशिश रहती थी कि जो रियासत पाकिस्तान में ना मिल सके उसे भारत से अलग रहने के लिए उकसाया जाए। इसीलिए उन्होंने अय्यर को एक तार भेजा जिसमें लिखा था कि त्रावणकोर के साथ रिश्ते कायम करने के लिए पाकिस्तान तैयार है, ये हम दोनों के लिए फायदे की बात होगी। माने कि पाकिस्तान त्रावणकोर को अलग देश के तौर पर मान्यता दे चुका था। पाकिस्तान का साथ मिलने से अय्यर का हौसला काफी बढ़ गया। 20 जुलाई को उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों से मुलाकात की और कहा कि यूके त्रावणकोर को मान्यता दे, और अगर भारत हमें वस्त्र देने से मना करे तो भारत पर दबाव बनाए। 21 जुलाई को अय्यर माउंट बेटन से मिलते हैं और उन्हें आजाद देश के तौर पर त्रावणकोर को मान्यता देने की एक बार फिर से गुजारिश करते हैं, लेकिन इस बार भी माउंटबेटन नहीं माने। इधर अय्यर लगातार अंग्रेजों पर दबाव बना रहे थे, उधर त्रावणकोर की जनता भी दीवान के खिलाफ आंदोलन पर उतर आई। लोगों ने अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां बना ली थी, जिनमें से एक थी केरल सोशलिस्ट पार्टी। दिन था 25 जुलाई का। अय्यर साहब एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में जा रहे थे कि तभी एक खाकी पैंट पहने युवक ने उन पर चाकुओं से कई वार किए और उन्हें घायल कर दिया। बताया जाता है कि ये व्यक्ति केरल सोशलिस्ट पार्टी का ही था। अय्यर की जान तो बच गई, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। इस हमले से वो काफी घबरा गए। हॉस्पिटल में जब राजा बलराम वर्मा उनसे मिलने पहुंचे, तब उन्होंने राजा से कहा कि जनता भारत में मिलना चाहती है। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए त्रावणकोर को भारत में मिला देना चाहिए। 30 जुलाई 1947, त्रावणकोर भारत का हिस्सा बन गया। 19 अगस्त को दीवान अय्यर ने इस्तीफा दे दिया और 26 जनवरी 1950 को महाराजा की सत्ता भी खत्म हो गई। त्रावणकोर को कोचीन और मालाबार क्षेत्र के साथ मिलाकर नया राज्य केरल बनाया गया। कहते हैं कि उस दौर में त्रावणकोर के 300 मंदिरों समेत पद्मनाभ स्वामी मंदिर की देखरेख भी शाही परिवार करता था। आजादी के वक्त महाराजा के परिवार को ये ऑप्शन दिया गया कि या तो वो 300 मंदिर रख लें या फिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर की देखरेख का जिम्मा ले लें। रॉयल फैमिली ने 300 मंदिरों के बजाय अकेले पद्मनाभ स्वामी मंदिर को लेना स्वीकार किया। तब से इस मंदिर की देखरेख का जिम्मा शाही परिवार के पास ही है। त्रावणकोर की ये रॉयल फैमिली आज भी तिरुवनंतपुरम में रहती है और सारे रीति रिवाज पूरे करती है। भगवान पद्मनाभ स्वामी मंदिर में रखा खरबों का खजाना और मोनोजाइट के भंडार दुनिया के हाथ लग जाते अगर त्रावणकोर अलग देश बन जाता तो। लेकिन शुक्र है कि भारत का इतना बड़ा नुकसान होने से बच गया। बात करें रॉयल फैमिली की, तो ये लोग कहते हैं कि इस मंदिर के खजाने को छूना तो दूर, यहाँ की मिट्टी को भी ये अपने घर नहीं लेकर जाते।
मंदिर से निकलते वक्त वो अपने पैरों को भी यहीं साफ करके जाते हैं। हालांकि आजादी के दशकों बाद 21वीं सदी में ये मंदिर अचानक तब चर्चा में आ गया जब इसके साथ में से 6 तहखानों को खोला गया। इन तहखानों में करीब 1,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बेशकीमती खजाना मिला। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई 7वें तहखाने की, जिसके दरवाजे पर 2 सांप बने हैं। लोग कहते हैं कि इस तहखाने की रक्षा खुद शेषनाग करते हैं और अगर ये खुलता है तो प्रलय आना तय है। इस तहखाने का रहस्य आज भी बरकरार है, जिसे हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे अगर आप चाहेंगे तो। इसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा, साथ ही ये भी बताना होगा कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और त्रावणकोर के विलय की ये कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों, इतिहास की गहराइयों में झांक कर देखा जाए तो पता चलता है कि भारत के कुछ हिस्सों पर डचों और पुर्तगालियों का भी शासन था, लेकिन इनके यहाँ के हालात और भी बदतर थे। ये लोगों पर अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म ढाते थे। राजा मार्तंड वर्मा ने डचों के जहाजी बेड़ों को डुबोकर ना सिर्फ उन्हें त्रावणकोर से खदेड़ा बल्कि उनका घमंड भी चूर चूर किया। कोलाचेल का ये युद्ध इतिहास का इकलौता ऐसा युद्ध है जिसमें आधुनिक गोला बारूद से लैस 400 जहाजों को एक भारतीय राजा ने साधारण मछुआरों की मदद से डुबो दिया था। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हमें इसके बारे में कभी बताया ही नहीं गया। हमारे इतिहास और किताबों में सिर्फ चंद लोगों का गुणगान किया गया है, जबकि भारत का नाम गर्व से ऊंचा करने वाले ऐसे हजारों लोग हुए हैं जिन्हें भुला दिया गया। राजा मार्तंड वर्मा के पराक्रम की कहानी औरों को भी पता चल सके, इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों। अगर आप रियासतों के विलय का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो से आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको ये पूरी कहानी फैक्ट चेक के बाद ही सुनाई है और इसके सोर्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हमें इस एड्रेस पर मेल कर दीजिए। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।